नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, होली आने वाले हैं, कृपया रंगों की खरीदारी अपने नजदीकी दुकान से ही करें, ना कि फ्लिपकार्ट अमेजोन से, क्योंकि आपके गांव में बड़ा पूजा या भंडारा का आयोजन किया जाता है तो ये दुकान वाले ही चंदा देते हैं, ना कि फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले। इसलिए कृपया रंगों की खरीदारी दुकान से ही करें। तो चलिए इन सभी बातों को पीछे छोड़ते हैं और जानते हैं कि क्या है ये CAA, जो कुछ समय पहले लागू हुआ है और ये काफी चर्चों में बने हैं, और इनसे किसकी नागरिकता जा सकती है और किसकी नहीं। तो दोस्तों, CAA यानी सिटीजनशिप एडजस्टमेंट एक्ट, जो 2019 में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई, और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पीछे लागू करने को लिए कहा था, और ये लागू भी कर दिया गया 11 मार्च 2024। इसके लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित किया। इसके द्वारा किसी को नागरिकता छीनी नहीं जाएगी बल्कि दी जाएगी। दोस्तों, किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नहीं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, उन सभी को नागरिकता इसके द्वारा दी जाएगी, बट मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी इसके द्वारा। और अब से इन तीनों देशों को व्यक्ति को नागरिकता सिर्फ 6 साल में ही मिल जाएगी। यही है CAA का उद्देश्य। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, और आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो नजर क्या लगे वहाँ पर, प्यारे प्यार जहाँ।